अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, हमारी दुनिया में मौजूद समंदरों में मछलियों की हज़ारों अकसाम मौजूद हैं। अगर एक मछली को कुछ देर के लिए समंदर से बाहर निकाल लिया जाए और फिर वापस डाल दिया जाए तो अपनी साथी मछली को कुछ समझा ही नहीं पाएगी कि बाहर इसने क्या देखा, क्योंकि इसे समंदर के बाहर कवानीन का कुछ पता ही नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान इस दुनिया के बाहर सिर्फ एक ख़ास हद तक ही देख सकता है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। और हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तकरीबन 4.508 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। जिसे हम आज तक देख पाए हैं, इससे आगे क्या है हम नहीं जानते। दोस्तों, कायनात में फासले इस कदर वसी हैं कि पैमाइश की इकाई के तौर पर लाइट ईयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और लाइट तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से सफ़र करती है। और रोशनी इस रफ्तार के साथ एक साल में जितना फासला तय करती है वो एक लाइट ईयर कहलाता है। दोस्तों, हम एक वसी होती हुई कायनात में रह रहे हैं जो नाकाबिले इतराक हद तक कदीम है। इसमें शामिल कहकशाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और ये सब एक धमाके अजीम यानी बिग बैंग की बाकियात हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि कायनात अपनी जैसी इन बेशुमार कायनातों में से ही एक है जो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा हर लम्हे कायनातों की पैदाइश और मौत का सिलसिला जारी है। हमारी अपनी कायनात तकरीबन 15 अरब साल पुरानी हो चुकी है। इंसान की दुनिया जिसका हम अदराक कर सकते हैं, कायनात की वसत के सामने एक ज़र्रे जैसी नज़र आती है, जो कि सूरज के गिर्द घूमते हुए इन सियारों में से एक है। और हमारी सूरज तकरीबन 5 लाख मिलियन सितारे हमारे मिल्की वे यानी कहकशा में मौजूद हैं। दोस्तों, दूसरी कायनातों में शायद फितरत के कवानीन मुख्तलिफ हों और इन दीगर कायनातों में मादे की सूरत हाल मुख्तलिफ हो। इनमें से मुतदीद में ज़िंदगी नामुमकिन होगी, क्योंकि वहाँ कोई सूरज और सियारे हत्या के हीलियम और हाइड्रोजन या ज़्यादा से ज़्यादा पचीदा कीमियाई अनासर मौजूद नहीं होंगे, और शायद हमारी अपनी कायनात इनके सामने नज़र ही ना आ सके। दोस्तों, अगर वो दीगर कायनातें वजूद रखती हैं तो शायद हम भी उनके रास जाने के काबिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी सैर करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी अपनी कायनात में भी हमें बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। दोस्तों, हमारी कायनात तकरीबन 100 बिलियन कहकशाओं पर मुश्तमिल है। इनमें से एक कहकशा का नाम मिल्की वे है। दोस्तों, एक कहकशा गैस, गर्द और तकरीबन 400 बिलियन सूरजों से मिलकर बनी है, और हमारा सूरज भी इन 400 बिलियन सूरजों में से एक है। हम इंसान इन 50 बिलियन अनवाय हयात में से एक हैं जो सूरज से तीसरे दर्जे पर एक छोटे से सियारे पर इतका पजीर हुई। हम इस सियारे को अर्थ कहते हैं। दोस्तों, ज़मीन का सूरज से फासला 150.5 मिलियन किलोमीटर है, और इसके बाद ज़मीन का मार्स से फासला 69.5 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा अगला सियारा वीनस, जो कि अर्थ से 141.86 मिलियन किलोमीटर है, और फिर नेपच्यून अर्थ से 4.3259 बिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, इसके बाद आता है यूरेनस, जो कि अर्थ से 2.6 बिलियन किलोमीटर्स है, और फिर प्लूटो, जो कि 5.2361 बिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, सैटर्न का अर्थ से फासला 1.405 बिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, जुपिटर का अर्थ से फासला 690 बिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, इसके अलावा जो कुछ भी हमारी कायनात में मौजूद है, हमारे कदमों तले ज़मीन से लेकर नहायत दूर दिखते हुए सितारों तक हर चीज़ कायनात का हिस्सा है। दोस्तों, कायनात इस कदर बड़ी और वसी है, मगर इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली है, जिसे खला कहा जाता है। दोस्तों, कायनात में तकरीबन 1 मिलियन यानी 1 अरब कहकशाएँ हैं। हर एक कहकशा 1 मिलियन सितारों पर मुश्तमिल है। इंसान आज तक ज़्यादा से ज़्यादा 39,000 मिलियन किलोमीटर दूर वाकया सितारों का सुराग लगा पाया है। दोस्तों, लाखों बिलियन लाइट ईयर्स पर फैली इस कदर वसी और अजीम तरीन कायनात में हमारी औकात और हैसियत एक ज़र्रे से भी छोटी और हकीर है, और फिर भी हम इस कदर गरूर और तकबर और अनापरस्ती में लाइफ गुजार रहे हैं जैसे हमने कभी मरना ही नहीं, और कुछ इंसान तो नौस बिला खुदाई का दावा भी कर बैठे हैं। दोस्तों, हमारी कायनात इस कदर असीम है तो इसे बनाने वाला कितना अजीम और कितना ताकतवर होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल अनबिया में फरमाया, क्या इन काफिरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और ज़मीन पहले बंद थे
और फिर हमने दोनों को अपनी कुदरत से खोल दिया और हमने बारिश के पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया है। क्या इन बातों को सुनकर भी ये ईमान नहीं लाते? दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान पर कायम रहने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुनकर पसंद आई होगी और ये वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो और नए फैक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।